हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो फाइनली आपके सामने मैं आज लेके आया हूँ हुंडई की ग्रैंड आई10। देख पा रहे हैं जो कि इंडिया में भी ये गाड़ी है अपने पास, और बस इसमें उतना ये फ़र्क रहता है कि इसका स्टेयरिंग जो है अपना लेफ़्ट साइड में रहता है और इसका राइट साइड में रहता है और इसका लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है। तो आप ये भी सोचते होंगे कि यहाँ की गाड़ियों का यानी फॉरेन कंट्री की गाड़ियों का वीडियो मेरे को देख के कुछ मतलब नहीं होगा, तो फिर काहे के लिए देखूं। तो गाइज़ मेरा रीज़न ये नहीं है, क्योंकि सब गाड़ियों में कुछ ना कुछ सिस्टम मिलता जुलता ही रहता है। अब अपने इंडिया की ग्रैंड आई10 में सिर्फ स्टेयरिंग उस साइड दिया, बाकी सब कुछ सेम है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली मैं इसमें आपको एक ही चीज़ ये बताने वाला हूँ कि इसका एसी जब चालू करते हैं ना तो कूलिंग नहीं हो रही है। तो कूलिंग क्यों नहीं हो रही है? बाहर जो इसका कंप्रेसर ना पुली को क्लच से डिस्टेंस बना हुआ है, पर क्यों बना हुआ है वो रीज़न आप अपन आज जानेंगे। तो चलो सबसे पहले बाहर चलते हैं और बाहर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं एसी वगैरह ऑन करके रखा हूँ और गाड़ी चालू है, तो चलो बाहर चलते हैं, बाहर चल के दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है जो ऐसा हुआ है या किसी ने करके रखा है। 2023 की मॉडल है तो इसमें इतना जल्दी तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। गाड़ी चालू पोजीशन है, मैंने बम्पर पहले खुला दिया है और देख लीजिए आप यहाँ क्लच का जो डिस्टेंस देख रहे हैं, क्लच ये रही, यहाँ से तो नहीं दिख रहा है क्लियर, ये देख लीजिए क्लच और पुली में इतना डिस्टेंस है। क्यों डिस्टेंस है तो इसको खोलते हैं अपन, खोलने के बाद ही अपने को मालूम पड़ेगा। तो चलो फिर सबसे पहले गैस छोड़ देता हूँ इसका। तो फाइनली मैं मीटर लाइन लगा चुका हूँ इसमें, और गैस देख लीजिए, गैस भी बराबर है सब, इसमें गैस छोड़ दे रहा हूँ। और एक बार और भी देख लीजिए आप, अभी समझ में ज़्यादा आएगा कि ये क्लच और पुली का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। क्यों है तो इसको खोलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो सबसे पहले बेल्ट निकाल देते हैं हम, और उसके बाद फिर कंप्रेसर खोलता हूँ। सेम कंप्रेसर है जो अपने इंडिया वाला रहता है, वही इंडिया के गाड़ियों में आई10 में जो दिया है कंप्रेसर न्यू वाला मॉडल में, इसमें भी वही है। तो चलो फिर इसको फाइनली मैं रिमूव करता हूँ, बेल्ट वगैरह निकालता हूँ, बेल्ट का सेटिंग भी सेम है वैसा ही। तो चलो फिर फाइनली मैं इसको निकालता हूँ, निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपन जा रहे हैं खोलने के लिए कंप्रेसर। तो कंप्रेसर खोलने से पहले अपन ये वाला जो एयर का है, इनटेक एयर जो जा रहा है, तो उसको खोलना पड़ेगा। इसका ये फिल्टर दिया है, तो इसको खोल के यहाँ से दो दस नंबर दिया रहेगा इसके अंदर, एक इधर, तो इसको खोल के होल्ड कर देते हैं। उसके बाद जो अपने को खोलना पड़ेगा ये वाला अल्टरनेटर को, क्योंकि बेल्ट निकालना है सबसे पहले अपने को। तो ये 12 नंबर दिया है, 12 नंबर खोल के एक नीचे दिया रहेगा, यहाँ दिया रहेगा। तो ये खोलने के बाद अपना बेल्ट इजीली निकल जाएगा, फिर आगे कंप्रेसर खुलेगा। तो चलो बेल्ट पहले खोल देता हूँ, फिर कंप्रेसर खोल के दिखाता हूँ। तो फाइनली बेल्ट निकाल दिया हूँ, यहाँ से 12 नंबर खोला हूँ और नीचे 14 नंबर का लूज किया हूँ, तो ये बेल्ट अपना निकल गया। तो चलो अब कंप्रेसर का बोल खोलते हैं। ये 12 नंबर एक ये दिया है और इसमें भी 12 नंबर ही दिया है। तो चलो चारों बोल खोलता हूँ, दोनों पाइप निकालता हूँ और फाइनली कंप्रेसर बाहर निकालता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ क्या है नहीं है इसका फंडा। तो फाइनली अब उन सब चारों बोल्ट खोल चुके हैं, एक दो ये रही तीन ये रही चार बोल्ट खोल चुके हैं, ये रही बोल्ट पूरा खोल दिया हूँ। तो कंप्रेसर बाहर भी आ जाएगा अपना, तो चलो बाहर लेते हैं। ये रही कंप्रेसर अपना बाहर आ चुका, और आप देख लीजिए
इसका क्लच और पुली का डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा हो गया है। तो चलो मैं इस बोल्ट को खोलता हूँ, बोल्ट को खोल के देखेंगे क्या कुछ टूटा फूटा है। क्लच को घुमा रहा हूँ तो शाफ्ट घूम नहीं रहा है, क्या हुआ रहेगा। तो मैं क्लच खोल दिया, क्लच खोलने के बाद सिर्फ ऊपर का जो शाफ्ट है वही घूम रहा है, क्योंकि पिस्टन वगैरह को लेके घुमा नहीं पाता है, घुमा नहीं पा रहा है। तो इस वजह से इसका कंप्रेसर फेल हो चुका है जाम होकर के, तो कंप्रेसर डालना पड़ेगा इसमें, नया वाला कंप्रेसर डालेंगे तभी जा करके ये सिस्टम के प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। चलो तो हेलो गाइस, फाइनली इसका सब फिट कर दिया, क्योंकि इसका काम यहाँ पे होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, गाड़ी अभी न्यू है, ज़्यादा किलोमीटर चला नहीं है। मैं बाहर आपको दिखा देता हूँ, सॉरी अंदर डैशबोर्ड में दिखा देता हूँ, मीटर में, क्लस्टर मीटर में देख पा रहे हैं 46-82 किलोमीटर चला है बस। इस वजह से ये गाड़ी कंपनी में जाएगी और ये सब नया डल के आएगी जो भी प्रॉब्लम हुआ है। इधर इसकी वजह से खोला गया क्योंकि देखा गया, ताकि छोटा मोटा काम रहता है तो कर देते हैं, नहीं तो बड़ा काम रहता है तो फिर कंपनी में भेज देते हैं, इसलिए ताकि वहाँ पे नया मिलेगा। और यहाँ पे अगर काम करेंगे तो इसका चार्ज कुछ मिलेगा नहीं अपने को, या फिर ये कंपनी को नहीं मिलेगा। इस वजह से ये डायरेक्ट कंपनी में जाएगी तो वहाँ सब नया डल के आएगी, क्योंकि गाड़ी वारंटी में है। तो गाइज़ आपको मैंने दिखाया यहाँ की प्रॉब्लम भी क्या क्या आती है, और प्लस यहाँ की गाड़ियाँ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो, और प्लस आप अगर बाहर कंट्री से इंटरेस्टेड हैं कि वहाँ जा कर के काम करना चाहते हैं, वहाँ के लिए जॉब ढूँढ रहे हैं यहाँ के लिए, तो आपको यहाँ की गाड़ियाँ भी समझ में आ जाए, दिखने को मिल जाए, बस यही है और मेरा कुछ नहीं। तो आप गाइज़ मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करके एक तरह की एक कमेंट करेंगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, और जो खुशी होगी ना तो खुशी से मैं अच्छी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊं तो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, बाकी और कुछ नहीं। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं।